2010 में लॉर्ड्स का मैदान पाकिस्तान क्रिकेट स्पॉट फिक्सिंग की जंग में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तीन खिलाड़ियों मोहम्मद आमिर, सलमान भट्ट और मोहम्मद आसिफ से हाथ धोना पड़े। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने तीनों खिलाड़ियों को ताहयात बैन कर दिया। इस पाबंदी से न सिर्फ खिलाड़ियों को नुकसान पहुंचा बल्कि पाकिस्तान और पीसीबी की साख को शदीद धक्का लगा। इस सूरतेहाल पर काबू पाने के लिए करप्शन फ्री क्रिकेट का एहतमाम किया गया। स्पॉट फिक्सिंग करने वालों के खिलाफ कानून मजीद सख्त किए गए। चेयरमैन पीसीबी इजाज भट्ट ने इसकी तरबीत इंडो सोशल मीडिया पर करवाई और अखबारात और टेलीविजन के टॉक शोज में भी जेर बहस रखी ताकि आईसीसी के शायकीन का बोल तमाद किया जाए। यूट्यूब पर तीन वीडियोस दिखाई गई जिसको 1000 से ज्यादा लोगों ने देखा और समझा। इस अमल पर काबू पाने के लिए कुछ सरगर्मियां भी की गई। सौ से जायद आर्टिकल शाये किए गए। 12 मिलियन लोगों ने ट्विटर पर यह खबर पढ़ी। फेसबुक पेज पर स्पॉट फिक्सिंग के इस खबर को 3000 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया। टेन स्पोर्ट्स और दुनिया न्यूज चैनल्स पर इसके टॉक शोज भी मुकम्मल तौर पर किए गए। In that 3-year period when you couldn't play, what did you do? How did you keep fit? What was the kind of daily routine that you had? Very good question, because to be honest, I didn't do anything. I didn't even touch the ball because I was not allowed to touch the ball, and I was not using the facilities of cricket board. It was very difficult for me, and I didn't do anything.